कहना है, कहने के लिए बस इतना है कि अब चुनावी साल है, चुनाव में अब तमाम लोग लगे, 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन हम लोग का जीतेगा, ये हम लोग का पूरा विश्वास है और उसी लक्ष्य पे अब हम लोग काम करने में लग गए। हाजीपुर सीट को लेकर खींचमतानी शुरू हो गई है भाई, कोई खींचमतानी नहीं है, आरोप लगाया है, कोई खींचमतानी नहीं है, गठबंधन के भीतर जैसे ही बैठेंगे तमाम बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन आपने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि रिश्ते और हाजीपुर के बीच अगर चुनने को कहा जाएगा तो आप हाजीपुर को चुनेंगे, क्या सच्चाई? क्योंकि भाई ये 2 साल पहले की बात है ना, बहुत आगे निकल गया हूँ मैं इन सब चीजों से। आज भी अगर 2 साल पहले की बातों को ही कोई याद करे और उसी पे ही चर्चा करता रहे, मेरी लड़ाई लंबी है भाई, मेरे लक्ष्य लंबे हैं, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की मैं बात करता हूँ। तो ऐसे में इन सारी चीजों में ही अगर हम लोग उलझे रहे तो जो विकसित बिहार के निर्माण की हम लोग कल्पना करते कैसे पे क्या कहेंगे मुजफ्फरपुर में भी शर्मनाक, निंदनीय, घृणित, अक्षम्य ऐसी घटनाएं आज की भी सदी में, 21वीं सदी में आज भी ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, उससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। खामोशी मेरे मुख्यमंत्री की ऐसी घटनाओं की चिंता और बढ़ाती है। ऐसे में मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि सामने आए और एक कठोर एक प्रेसिडेंस इस पे सेट किया जाना चाहिए, ऐसी कार्रवाई दोषियों पे होनी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले उसकी रूह का। चिराग जी, मणिपुर की घटना को दोहराने की कोशिश हो रही है, बिहार की सरकार मणिपुर की घटना पे लगी हुई है लेकिन उन्हें बेगूसराय की घटना भाई, वो मनन सिंह कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई हो रही है और उदाहरण दे रहे हैं। देखिए भाई, ये बात मणिपुर की नहीं है, ये बात बिहार की नहीं है, ये बात बंगाल की नहीं है, ये देश की बेटियों की बात है, ये देश की बच्चियों की बात है और वो देश में कहीं की भी हो, किसी के साथ इस तरीके का अपराध कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये किसी भी राज्य में हो रही हो, हर राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने राज्य की बेटियों को कम से कम वो सुरक्षित रखें। इसमें किसी के एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करने से नहीं चलेगा। मैं सदन में भी इसीलिए कहता हूँ भाई, लोकसभा 2 दिन से आप चलने नहीं दे रहे, विपक्ष जो मांग कर रही है यही तो सरकार भी चाह रही है ना। गृह रक्षा मंत्री ने खुद बोला कि भैया हम लोग सदन में चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं, आप आइए चर्चा कीजिए, अपनी बातों को रखिए और हम दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर एक कॉमन उसमें आए कि भाई क्या कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, नए कानून बनाने की जरूरत है उसकी हम लोग चर्चा करें, पर आप पहले चर्चा तो कीजिए। सदन को नहीं चलने देना, सदन में हंगामा करना किसी समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता। सवाल है, क्या आपने मन बना लिया है पूरी तरीके से कि हाजीपुर से ही लड़ेंगे? अरे प्रभु, फुल एंड फाइनल हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। जब मैं कहता हूँ, मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ भैया।